नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी, याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं, वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी है, सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है, उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार। बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके लिखा है। ये इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है?